सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज इस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे। वह है स्वप्न में तलवार देखना, तलवारबाजी होते हुए देखना, तलवार छूटते हुए देखना। प्रिय दर्शकों, स्वप्न में अक्सर हम लड़ाई झगड़े से रिलेटेड दृश्य देखते हैं। कभी कभी उन दृश्यों को देख करके हम डर जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन कभी कभी वह हमारे किए गए कार्यों की एक याद होती है जो स्वप्न के माध्यम से हमें दिखाई देती है। अतः स्वप्न आने के तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा है ग्रह के कारण आने वाला स्वप्न, और तीसरा है भविष्य का संकेत। कभी कभी ग्रह के कारण आने वाला स्वप्न और भविष्य का संकेत दोनों एक ही बात को इंगित करते हैं। लेकिन जब कभी हमारा किसी से झगड़ा हुआ हो या हम किसी के प्रति यह भावना रखते हैं कि इससे हमें लड़ाई करनी है, इसने हमें बहुत परेशान करके रखा है, एक अच्छी सी लड़ाई से इसे हमें मजा चखाना है, या फिर हम लड़ाई झगड़ों को देख करके डरते हो, या फिर हमें किसी से डर हो कि कोई हमें मार डालेगा, कभी कभी हम कहीं घूमने जाते हैं तब तलवार देखते हैं, या टीवी में हम तलवारबाजी देखते हैं, तो कोई ऐसा दृश्य देखा होता है जो कभी याद रह जाता है और वह भी स्वप्न में दिखाई देता है। तो यह मनोवैज्ञानिक कारण है जिसके कारण कोई हमें याद रह जाती है या हमने कुछ सोच लिया है, उस वजह से हमें स्वप्न दिखाई दे। लेकिन यदि इनमें से कोई भी कारण नहीं है और आपको सूर्य ग्रह की दशा प्रारंभ होने वाली है, चाहे वह महादशा हो या फिर अंतर दशा हो या अंतर दशा हो, तभी आपको इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। तो यह स्वप्न सफलता की ओर संकेत करते हैं या असफलता की ओर, आइए जानते हैं। यदि आपने सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर वीडियो का लिंक आई बटन में भी दिया गया। यदि स्वप्न में किसी व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र दिखाई दे, उसमें उसे बहुत सारे योद्धा तलवारबाजी करते हुए दिखाई दे, तो समझिए कि उस व्यक्ति का निकट भविष्य में कोई कार्य सिद्ध होने वाला है, उसे विजय की प्राप्ति होने वाली है। चाहे वह लव मैरिज का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया हो या फिर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि किसी को दिखाई दे कि वह स्वयं ही तलवार लेकर लड़ रहा है, तो विजय निश्चित जानिए। यदि किसी व्यक्ति को केवल तलवार रखी हुई दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में किसी प्रतियोगिता में या फिर किसी संघर्ष में उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, या फिर घर में ही या अपने आसपास कहीं कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जिसमें उन्हें जीत प्राप्त होगी। चाहे वह दो दोस्तों की लड़ाई हो या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो या फिर कोई छोटा धन लाभ से संबंधित कोई कार्य हो जिसमें आपको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़े। यदि किसी व्यक्ति को या लड़की को, लड़के को, किसी को भी यह दिखाई दे कि उसने तलवार से शत्रु को मार दिया है और तलवार पे बहुत सारा खून लगा हुआ, तो निश्चित जानिए कि यह धन प्राप्ति का स्वप्न है। निकट भविष्य में आपने कोई टेस्ट दिया है नौकरी से संबंधित, तो उसमें आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं, निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और शानदार यश के साथ धन आपको प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति को दिखाई दे कि तलवार उसके हाथ से छूट गई है, तो यह स्वप्न आपको चेतावनी देता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, लक्ष्य छूटने ना पाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो जाएंगे, ऐसा कहकर आपके मनोबल को कम करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह स्वप्न थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। यदि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी सफलता संदिग्ध लगती है। स्वप्न में शत्रु की तलवार के दो टुकड़े होते हुए दिखाई देना अत्यंत शुभ स्वप्न होता है। आप विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। यदि किसी को स्वप्न में तलवार का, जहां से तलवार को पकड़ते हैं हथिया, वह टूटता हुआ दिखाई देता है, तब यह स्वप्न शुभ नहीं होता है। अपना हथिया दिखाई दे कि जहां से तलवार को पकड़ा है वह टूट गया है, तो यह स्वप्न शुभ नहीं होता है। यह स्वप्न किसी विश्वासप्रद मित्र या किसी विश्वासप्रद सहारे के छूटने को संकेत करता है, अलग होने को भी यह स्वप्न संकेत करता है। मयान से तलवार निकालते हुए देखना एक अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाता है। तो यह था तलवार से संबंधित स्वप्न विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।